आविष्कार सर ये है कि हमने 3 साल लगते हारे राशन कार्ड बनवाया, अब ना हमें राशन मिलता है ना हम सब्सिडी मिल रही है। और जनता इसको ध्यान में रखेगी, जो जनता की इच्छा थी काफी लंबे समय से उनको पूर्ण किया है भाजपा सरकार ने। कहाँ हमारा शहर चंडीगढ़ नंबर 1 पे था और कहाँ आज ये 8वें 10वें नंबर पे पहुँच गया है। जो मौजूदा सरकार है बढ़िया काम कर रही है तो उन्हें दिक्कत होनी लाजमी है, क्योंकि उन्हें पता है बढ़िया काम बीजेपी सरकार कर रही है। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ शहर के मौली जगरा में, आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है मौजूदा सरकार, स्थानीय नगर निगम और अपने काउंसलर और अपने एक्स एमपी के बारे में। तो देश की जो मौजूदा सरकार है जी, उस पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वो बदले की भावना से विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि अभी मोदी सरकार जानबूझ के काम करी, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर जिसने चोरी करी है तो वही उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। ठीक है जी। अच्छा, और सर जिस प्रकार कांग्रेसी नेता कांग्रेसी वर्कर शहर की इकाई से छोड़कर या तो इस्तीफा दे रहे हैं या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को उनको अपनी पार्टी में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर अगर बीजेपी में कोई बंदा काम करना चाहता तो मोस्ट वेलकम है सर, उसका वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है। अब कल तक तो हम उस पर आरोप लगा रहे थे कि ये निकम्मी पार्टी है और कई तरह के अंदर आरोप लगते रहे हैं, तो जब वो हमारे साथ आएंगे तो हम क्या कंफर्टेबली काम कर पाएंगे उनके साथ? सर अगर कोई बंदा ईमानदारी से आता है तो सर उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना कोई इशू है, तो राजनीति ऐसा भी चलती रहती है, इसको कोई वो नहीं है सर। तो आपका राशन कार्ड नहीं बना तो आपने अपने स्थानीय काउंसलर से इसके बारे में बात की? बोला था, सबसे बोला था, जो यहाँ के मुख्य वो है जो प्रधान उनको भी बोला था। कौन है यहाँ के प्रधान? पहले के वो थे दुबे जी, हाँ जी, अनिल दुबे हाँ, उनको भी बोला था, हमने गए थे पर सुनते ही नहीं, कहते बन जाएगा कोई, फिर पीछे हट जाते हैं सब। तो अनिल दुबे के कार्यकाल में आपका कोई काम नहीं हुआ, आपकी क्या शिकायत है जी? हमारी शिकायत सर ये है कि हमने 3 साल तक के राशन कार्ड बनवाया, अब ना हमें राशन मिलता है ना हमें सब्सिडी मिल रही है। तो इसके लिए आपने किससे शिकायत की? सर जब बैंक में जाते हैं तो कह रहे कि आप सारा में जाओ, तो सारा में जाते तो कह रहे कि आप बैंक में जाओ, अब दोनों तरफ जाके धक्के खा के परेशान होकर घर बैठ गए, कोई नहीं सुन रहा हमारी बात। और दो बार जमा करते हैं फार्म आते ही नहीं, उनके आगे लड़के हैं जैसे ये भाई साहब, वो जब उनसे किससे बात की आपने? अब वहाँ जमा करे आपने ना आते तो फिर बैठ जावे घर पर, 2-3 बार चले गए, अब जमा करे आपने तो इसमें कमी है तो बताओ, वहाँ पर कमी है ना। सुरेश जी क्या आप मानते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है? हाँ सर, आपके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? yes. और जो बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनवाया और धारा 370 कश्मीर से हटवाई, इससे क्या उनको चुनाव में लाभ मिलेगा? केस चल रहा था तो वो उनकी सरकार में सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। अमित जी देश के लिए भाजपा सरकार बढ़िया है या कांग्रेस सरकार बढ़िया है? जैसे भाजपा ने अच्छे काम किए इस हिसाब से तो भाजपा अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए पहले के अनुसार, जैसे कि शहर में बहुत सुधार भी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत बहुत अच्छे काम किए। और बीजेपी सरकार में मोदी सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित है या पहले सुरक्षित था जी? अब ज्यादा, आपके हिसाब से अब ज्यादा जी? जो बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनवाया है इसका असर कुछ इस चुनाव पर पड़ेगा? हाँ जी, काफी पड़ेगा। तो मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित हैं या पहले की सरकार के वक्त अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित है? अब की सरकार में ज्यादा सुरक्षित, अब की सरकार में ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है जी। तो जो इस मौजूदा सरकार ने अपने इसी कार्यकाल में दो बड़ी कार्रवाइयां की, एक तो धारा 370 हटाई और राम मंदिर बनवाया, तो इन दोनों चीजों का इस चुनाव पर कोई असर पड़ेगा या नहीं जी? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। जिस 370 को लेकर ये राजनीति करते आ रहे पिछले कई वर्षों से, एक तो वो मुद्दा खत्म कर दिया राजनीति का जी, ठीक है, जनता इसको भी ध्यान में रखेगी जी। और दूसरा आपने कौन सा प्रश्न था? राम मंदिर का। राम मंदिर का, ये दोनों ही मुद्दे काफी समय से राजनीति के मुद्दे थे, इन दोनों को विपक्ष जिसको लेकर राजनीति करते थे इन दोनों मुद्दों को ना खत्म कर दिया है, और जनता इसको ध्यान में रखेगी, जो जनता की इच्छा थी काफी लंबे समय से उनको पूर्ण किया है भाजपा सरकार ने, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, तो जनता जरूर इसको ध्यान में रखेगी।
ठीक है, जो मौजूदा हालत है इस वक्त कांग्रेस की वो काफी जर्जर है, और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता और छोटे मोटे अहदेदार, पिछले चंडीगढ़ की इकाई की बात करें तो लगभग 500 से 600 कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ चुके हैं और उनमें से कई कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी राय बताइए कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो बीजेपी को उनको ज्वाइन करवाना चाहिए या नहीं? इस पे जो मेरी निजी राय है, उनको नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, और क्यों नहीं करवाना चाहिए जी? वो इसलिए नहीं करवाना चाहिए, जो वो अपने दल के नहीं हुए तो दूसरे दल के क्या हुआ? आपके हिसाब से जो इस वक्त मौजूदा सरकार है देश की, वो सही काम कर रही है? लेकिन मेरा प्रश्न आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जिस प्रकार कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस के वर्कर्स को अपनी पार्टी में लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए, बीजेपी को लेना चाहिए। जब जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो किसी कारण से जा रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं जा रहे हैं। जो पिछले सांसद थे हमारे बीजेपी से, तो उनके दौर में शहर में अच्छा काम हुआ या कांग्रेस के वक्त शहर में अच्छा काम हुआ? बीजेपी सरकार में काम अच्छे हो रहे हैं, जो हमारे पार्षद हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम भी। मौजूदा पार्षद भी हमारे बीजेपी के ही हैं, मनोज सोनकर जी उनका नाम है, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं फिलहाल। जो सोनकर जी हैं वो आपके वार्ड के काउंसलर हैं, मैं शहर की बात कर रहा हूँ सर, कि किरण खेर जी ने अच्छे काम करवाए या पवन कुमार बंसल जी ने अच्छे काम करवाए? किरण खेर जी ने काम बढ़िया करवाया। किरण खेर जी ने बढ़िया काम करवाए। तो जो केंद्र सरकार है वो लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही है, और एक के बाद एक, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा कोई व्यापारी हो, चाहे वो पब्लिक फिगर हो, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करते हुए सरकार उसको जेल में डाल रही है और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के केसेस चलाए जा रहे हैं जी। लेकिन विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है कि ये एक बदले की कार्रवाई है, केसेस झूठे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है ना, जो गलत काम करेगा वो तो अंदर जाना ही है उसने तो। अब ये जो विपक्ष है वो तो उंगली उठाएगा ही, जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो उंगली उठाएगा ना। जो मौजूदा सरकार है बढ़िया काम कर रही है तो उन्हें दिक्कत होनी लाजमी है, क्योंकि उन्हें पता है बढ़िया काम बीजेपी सरकार कर रही है तो उनका आना मुश्किल है, दूसरी सरकार का आना मुश्किल है। जो सरकार बढ़िया काम कर रही है पब्लिक उसे ही उन्हें ही वोट देगी ना। बिल्कुल ठीक है जी। और आपकी दुकान पे लगभग 20-25% तो सर मौली जगरा के आते होंगे, उसमें विभिन्न धर्मों से भी होते होंगे, तो इसमें सर आपने कुछ महसूस किया कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित है या कांग्रेस सरकार के वक्त अल्पसंख्यक अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था? सारे इस टाइम तो सब बढ़िया है, सब मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा बना हुआ है सबके साथ हमारा, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहते हैं हमारे यहाँ। कि आप किसी से पूछ सकते हो कि मतलब कौन सी सरकार में कब सुरक्षित थे? आप यूपी साइड भी पहले चले जाते तो वहाँ इतनी गुंडागर्दी थी, आज के टाइम में बहुत सुरक्षित है। मनोज जी, इस वक्त जो चुनावी माहौल है पूरा जी, और विपक्ष आरोप पे आरोप लगा रहा है मौजूदा सरकार की कार्रवाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो सरकार जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है, आपकी राय क्या है इसके बारे में? वैसे तो ठीक ही कर रही है जी। और वैसे हमारे नॉलेज से तो ठीक ही है। मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित है या कांग्रेस के राज में ज्यादा सुरक्षित था जी? देखिए अभी तो सब सुरक्षित है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो खास कम्युनिटी, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, एक खास वर्ग है वो लगातार मौजूदा सरकार को कोस रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए शिकायतें तो हर एक दूसरे से रहती ही रहती है, तो कभी खत्म नहीं होती। चंडीगढ़ से कौन जी, मनीष तिवारी या संजय टंडन? देखिए ये तो समय बताएगा। श्यामलाल जी, मौली जगरा में अभी चुनावी माहौल जो चल रहा है जी, किस पार्टी का दबदबा बढ़ रहा है, कौन सी पार्टी के जीतने के आसार हैं चंडीगढ़ से? देखिए भारतीय जनता पार्टी के आसार हमें कुछ ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ से जीतने के, क्योंकि इनका दबदबा कुछ ज़्यादा है, मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे भी माहौल चल रहा है इस टाइम जनता की मांग के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही ज़्यादा जोर है।
जो इस वक्त देश के हालात है, भ्रष्टाचारी के ऊपर केंद्रीय सरकार नकेल कस रही है, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है, आपकी राय में सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही है जी? गलती कर रही है। भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, उनके ऊपर कार्रवाई करना आपकी नजर में गलत है जी? और जो भ्रष्टाचारी इन्होंने खुद अपने पुल ले लिए अपने अंदर, जो बीजेपी वालों ने, वो भी तो है ना। ठीक है जी, जैसे 70,000 करोड़ का बॉम्बे में देख लो, शरद पवार कौन है, वो उसके ब्रदर है कौन है, और भी भ्रष्टाचारी जो अपने पार्टी के अंदर कर लिए, कांग्रेस के जो बंदे अपने अंदर कर लिए। हाँ, मैं यही आपसे पूछने वाला था सर कि वो अभी तो भ्रष्टाचारी हैं, उनपे कब कार्रवाई तो हुई नहीं। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित हैं या इससे पहले की सरकारों में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहे? मोदी की सरकार में बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत अच्छा मोदी सरकार कर रही है। 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है और देश के लिए बहुत कुछ किया है। हर चीज़ में मोदी सरकार ने नीचे से लेके ऊपर तक को बहुत अच्छा उठाया है। हर चीज़ में, मतलब किसी भी हर चीज़ की में बहुत चलाई है, हर चीज़ में, मतलब रोड, मिलिट्री के लिए, देश के लिए, हर चीज़ के लिए क्या काम किया है। और आने टाइम में मोदी सरकार ही आएगी और दूसरी कोई सरकार नहीं आने वाली। कि मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी को जो उनके नेता या उनके वर्कर कांग्रेस से रिजाइन करके उसको इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को उनको ज्वाइन करवाना चाहिए या नहीं जी? देखो, अच्छे काम में तो अगर अच्छे लोग आ रहे हैं तो उनको ज्वाइन कराने कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे कार्य के लिए। वो तो कांग्रेस से छोड़े, जब उनके उनको दिख ही रहा अभी आगे कोई रोड मैप उनके पास है ही नहीं कुछ भी, तो वो तो छोड़ छोड़ के अच्छे उनके साथ लगेंगे ना। वहां तो उनको बीजेपी सरकार है, पूरा रोड मैप दिख रहा है अभी, यहाँ पर सरकार अच्छा कार्य कर रही है, देश के लिए अच्छे कार्य कर रही है, हर कार्य में अच्छे काम हो रहे हैं, तो लोग तो अपना छोड़ के जाएंगे। कांग्रेस के दूसरी पार्टी को छोड़ छोड़ के भी आ रहे हैं उसमें, बीजेपी के अंदर इसलिए आ रहे हैं कि मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम में लगे हैं। अर्थ प्रकाश की चुनावी चौपाल में इस वक्त हैं हमारे साथ डॉक्टर इरशाद हसन। डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। डॉक्टर साहब, अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो जो केंद्र सरकार का जो रवैया है विपक्ष की पार्टियों के साथ, वो आपके हिसाब से कैसा है? बहुत ही घटिया है, बहुत ही चिंताजनक है, देश के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी। क्योंकि विपक्ष अगर नहीं सही होगा, विपक्ष का साथ नहीं लिया जाएगा तो देश तरक्की भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ तो एक डिक्टेटरशिप हो जाएगी। इरशाद साहब, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसी जा रही है बहुत, और वो न्यायालय के थ्रू प्रॉपर केस बनाकर जब तक साक्ष्य नहीं होते तब तक उनको पकड़ा नहीं जा रहा, पकड़कर भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जा रहा है। बीते दिनों में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन सरकार ने पकड़कर जेल में डाल दिए, तो इस लिहाज से सरकार ठीक कर रही है या गलत कर रही है? सरकार तो वाकई ही किसी ने करप्शन की है और उसको पकड़ा जा रहा था, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मगर सिर्फ ये नहीं कि छोटे छोटे को पकड़ लेते हैं और बड़ों को छोड़ देते हैं। जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनको तो छोड़ा जा रहा है, जो छोटे छोटे उनको पकड़ा जा रहा है। चाहिए ये कि सभी को पकड़ा जाए, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, सभी के लिए बराबर, आम पब्लिक के लिए भी वही होना चाहिए, एक नेता के लिए भी होना चाहिए। इरशाद साहब, जो पकड़े गए हैं वो तो अभी तक बड़े बड़े पकड़े हैं, जैसे वो मशहूर फिल्म एक्ट्रेस का पति पकड़ा गया, एक राज्य, दो राज्यों के मुख्यमंत्री पकड़े गए, फिर एक बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन अपने को आपको बताता था, वो बाद में उसका कुछ धंधा कुछ और निकला, तो इसमें छोटी मछली का तो शायद किसी का नाम भी नहीं है। इससे भी बड़ी मछलियाँ बहुत हैं, जैसे अडानी है, अंबानी है, और बहुत बड़े हैं जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या ये करप्शन ही कर रहे हैं, पूरा देश ही के हाथ में चला गया जी। अच्छा इरशाद साहब, एक चीज और बताएं मेरे को, बीइंग अ मुस्लिम, कांग्रेस सरकार में अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित था या बीजेपी राज में अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित है? दोनों ही राज में सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। इरशाद साहब, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जो अब खुलकर सामने आ गई है, तो ये भाजपा को फायदा देगी? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, भाजपा में भी बड़ी अंदरूनी लड़ाई है, जैसे जैन साहब बिल्कुल अलग चल रहे हैं, सूद साहब बिल्कुल अलग चल रहे हैं, ऐसे ही कांग्रेस में भी हो रहा है।
मगर कांग्रेस को एक फायदा मिलेगा कि जो कांग्रेस से और बंसल साहब से नाराज थे जो आम आदमी पार्टी में चले गए, उसका फायदा मनीष जी को मिलेगा कि वो जो बंसल साहब से या कांग्रेस से नाराज थे या फिर बीजेपी से नाराज है वो मनीष जी को फायदा मिलेगा। बाकी तो दोनों में अंदरूनी तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है दोनों का। और लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट देनी चाहिए या राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर? सर वैसे ये राष्ट्रीय चुनाव है तो राष्ट्रीय ही और स्थानीय दोनों मुद्दों को देख के देनी चाहिए। अपना कैंडिडेट कौन सा कैसा है और देश को सही ढंग से कौन चला सकता है उसको चलना चाहिए। क्यों सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आज तो बिल्कुल उस पर उतर आए, मुसलमानों का नाम ले लेके कहा जा रहा है। और वैसे इंडिया में तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, बाहर जाके मुसलमानों के पैर छूने को तैयार रहते हैं। पिछले लगातार 10 सालों से बीजेपी का सांसद चंडीगढ़ से रहा है और उससे पहले कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो शहर के ऊपर था, तो आपकी नजर में कांग्रेस के वक्त में ज्यादा तरक्की हुई या बीजेपी के वक्त में? सर तरक्की ही कांग्रेस के टाइम में हुई है। बीजेपी का तो आपने देखा होगा कि जो 10 सालों में सड़कों का हाल, कॉलोनियों का हाल या शहर का क्या हाल है, कहाँ हमारा शहर चंडीगढ़ नंबर 1 पे था और कहाँ आज ये 8वें 10वें नंबर पे पहुंच गया है।